नमस्कार बच्चों, नव भारती परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा एंड फंजाई, इसमें हम मोनेरा को पढ़ रहे थे। मोनेरा के अंदर हम बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे और बैक्टीरिया के अंदर हमने कल रिप्रोडक्शन को जो है फिनिश कर दिया था। तो मैंने बोला था कि कल मैं आपको इसी वीडियो में आगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ाऊँगी। तो हमारी नॉर्मल जो बेनिफिशियरी लाइफ होती है उसके अंदर बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हैं, इकोनॉमिक मतलब कि बैक्टीरिया किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम फर्स्ट इम्पोर्टेंट इसका देखें तो एग्रीकल्चर के अंदर इसका रोल क्या होता है, यानी कि जो हमारी पैदावार होती है पेड़ों से, उसमें बैक्टीरिया का क्या रोल प्ले होता है, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर होता है उसमें हमारा बैक्टीरिया डिके एंड डिकम्पोजर्स की तरह रोल प्ले करता है। डिके एंड डिकम्पोजर्स, मैंने जब सेप्रोफाइट एसेक्स उसके अंदर वेजिटेटिव के अंदर सेप्रोफाइट टाइप पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेप्रोफाइट्स जो मोड होता है इसमें सेप्रोफाइट जो बैक्टीरिया होता है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, वो डेड एंड डिकिंग मैटर्स पे जाके क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कैसे? वो डेड एंड डिकिंग मैटर कुछ भी हो सकता है, वो प्लांट्स का भी हो सकता है या फिर वो एनिमल्स का भी हो सकता है। वो उन डेड एंड डिकिंग मैटर को, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से वो उनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको डिकम्पोजर्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डेड एंड डिकिंग डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के एग्रीकल्चर में रोल प्ले करते हैं। वो कैसे करते हैं, अगर सबसे पहले देखें कि ये जो हार्मफुल वेस्ट होता है अर्थ का, अर्थ के ऊपर जो हार्मफुल वेस्ट होता है उसको स्कैवेंजर्स के रूप में क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। हमारी अर्थ पर बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट पड़े हुए रहते हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, उसको क्या कर देता है, जो मैटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था उसे सिंपलर फॉर्म में करके एक फर्टाइल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एग्रीकल्चर में मदद करता है। वो फर्टाइल के रूप में कन्वर्ट कर दे, या फिर कह सकते हो कि वो जो अर्थ पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देता है स्कैवेंजर्स की रूप में। सेकेंड है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की तरह, जैसे मैंने बताया डेड एंड डिकेइंग डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनको सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ही बोलते हैं। डेड एंड डिकेइंग डिकम्पोजर्स का मतलब होता है कि सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो चाहे एनिमल का डेड मटेरियल हो या डिकेइंग मटेरियल हो या फिर प्लांट का डेड डिकेइंग मटेरियल हो, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको सॉइल के अंदर फर्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, किसको, सॉइल को उसकी फर्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो हैं वो डायरेक्टली किस में हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर में मदद करते हैं, क्योंकि यही बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे मेन फैक्टर होता है किसी भी एग्रीकल्चर के अंदर। सेकेंड, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो गैसेस हम देख रहे हैं, इन गैसेस का ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इनकी बॉडीज़ को और इनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वाटर के फॉर्म में, सल्फर को सल्फेट के फॉर्म में, फॉस्फोरस को फॉस्फेटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि ये ईजीली किसी भी मटेरियल के साथ में रिएक्ट कर सकें, क्योंकि सिंपलर फॉर्म जो होता है वो इजीली और जल्दी रिएक्ट करता है और आगे फर्दर रिएक्शन करता है, जो कि एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होते हैं।
नेक्स्ट अगर देखें तो ये एक सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। बैक्टीरिया सॉइल के ऊपर और सॉइल के अंदर रह के दोनों तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को और सॉइल के सीवेज ट्रीटमेंट को वाटर के भी सीवेज ट्रीटमेंट में मदद करता है। सीवेज ट्रीटमेंट को कैसे मदद करता है ये उसके हार्मफुल जितने भी एलिमेंट्स वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एक प्यूरीफायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसके अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किसमें एक यूज़फुल या फिर इफ़ेक्टफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फॉर्म होती है। और सीवेज ट्रीटमेंट में अगर ये हेल्प प्ले करता है तो आप देख सकते हो कि वाटर जो है वो कितना बच रहा है, कितनी गंदगी के रूप में जो ये वाटर है ये क्या होता है, ड्रेन होता है। बहुत सारा गंदगी मतलब कि वेस्ट वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होता है, उसी वेस्ट वाटर को क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू क्लियर करके और फिर म्यूनिसिपल पार्टीज़ के थ्रू क्या करते हैं सप्लाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर है, वाटर के टोटल परसेंट वाटर हमारे अर्थ पर कितना परसेंट है, 72%। उस 72% में से सिर्फ 1% जो है वो वाटर जो है वो पीने और यूज़फुल है, बाकी का सारा कैसा वाटर है, सॉल्टी वाटर है जो कि यूज़फुल नहीं हो सकता है। उसे भी किसी ट्रीटमेंट के थ्रू उसको भी कई ट्रीटमेंटों से साइंटिस्ट जो है रिसर्च करें कि उसको भी पीने योग्य उसको बना सकें। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बाद जो हमारा रोल इन एग्रीकल्चर है, इसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी में भी ये कैसे मदद करता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, किसके अंदर, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर। तो ये चार फैक्टर है डेड एंड डिकेइंग डिकम्पोजर्स की तरह, किसके अंदर चल रहे हैं हम, रोल इन एग्रीकल्चर के अंदर ही चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया। तो अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर जो ये बैक्टीरिया किस तरह से रोल प्ले कर रहा था उसमें अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो प्लांट के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो ग्रो कर सके। बट नाइट्रोजन अगर सॉल्युबल फॉर्म में होती है तो ही वो एब्जॉर्ब की जाती है और उससे प्लांट जो है वो ग्रो होता है। कई बार हम देखते हैं कि अगर हम एक ज़मीन पर लगातार एक ही खेती करते चले जाते हैं तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि उस सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है या फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो जाती है, सॉल्युबल फॉर्म में नहीं रहती है, जिससे कि प्लांट के अंदर उसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती ही है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें सॉइल फर्टिलिटी की तो सॉइल फर्टिलिटी के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि सॉइल की उपज जो है, सॉइल के अंदर जो उसकी उर्वरकता जो बोलते हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हो पाती है, उसके तीन स्टेजेस हैं। हमारे इसके अंदर ग्रीन बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी के अंदर मदद करते हैं। वो किस किस में मदद करते हैं, तो पहले तो होते हैं अमोनी फाइन बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं नाइट्री फाइन बैक्टीरिया और तीसरे होते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसे हम राइजोम भी बोल सकते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं।
अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया जो हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया किस तरीके से हेल्प करता है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया किस तरीके से और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किस तरीके से हेल्प करता है। तो अगर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की बात करी जाए तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो सेप्रोफाइट, जो मैंने बताया था सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ओरिजिन को ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, अमीनो एसिड्स में। यानी कि सेप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ओरिजिन जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं किसके फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सीक्रेटिंग एंजाइम्स। वो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं उनके सीक्रेशन की हेल्प से ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग जो ओरिजन होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीक्रेटिंग सम एंजाइम्स। ठीक है, जब ये अमीनो एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के थ्रू, तो ये अमीनो एसिड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से इस अमीनो एसिड को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये अमोनिया किससे कंबाइन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, अमोनियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, अमोनियम कार्बोनेट। यानी कि अगर हम बात करी जाए अगर तो सॉइल फर्टिलिटी के अंदर, तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वो अमीनो एसिड्स को ला रहे हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग ओरिजिन्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, क्योंकि ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है तो ये सारा खेल जो इसमें होगा वो अमोनिया से रिलेटेड ही होगा। तो ये किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को। किसमें, अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होने के बाद में अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से ये अमोनिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर ये अमोनिया कंबाइन हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में और ये अमोनियम कार्बोनेट के फॉर्म में बन रहे हैं। ये अमोनियम कार्बोनेट जो होते हैं ये कई प्लांट्स के रूप में, मतलब ये जो है कई प्लांट्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं अपनी सॉइल फर्टिलिटी के दौरान एज ए नाइट्रोजन कंपोनेंट्स के रूप में। जैसे कुछ सीरियल्स होती हैं जो कि इसे यूज़ करती हैं, बट ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अमोनिया जो होता है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी वो आएगी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। कौन सी आएगी, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। तो ये मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया हैं, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोटीन और नाइट्रोजन कंटेनिंग ओरिजिन्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वही अमीनो एसिड फर्दर अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और देन अमोनिया कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच फॉर्म्स अमोनियम कार्बोनेट। तो आगे हम पढ़ते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया किस तरीके से सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया से पहले मैं बता दूं आपको, जो अमोनिया होता है वो सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इससे वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में बहुत इजीली पहुंच जाता है और इसी प्रोसेस को हम नाइट्रिफाइंग बोलते हैं। और वो कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो मैंने सेप्रोफिटिक पढ़ाया था, उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक दो तरीके के बताए थे।
तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के अंदर क्या आ जाता है, नाइट्रोसोम्स, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, यानी कि नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया की जो सॉइल फर्टिलिटी की प्रोसेस है उसमें मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं अमोनियम कंपाउंड से। क्या, किस कंपाउंड से, अमोनियम कंपाउंड से नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि अमोनिया सॉल्युबल होता है, इसलिए अमोनिया जो है वो नाइट्रेट्स फॉर्म करने में इन बैक्टीरिया जो एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रेट्स जो नाइट्रेट्स बनाने में, किनसे, अमोनियम कंपाउंड के हेल्प से। अगर हम ये देखें तो ये नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है इसमें ये क्या करता है, ये अमोनियम कार्बोनेट को, जो मैंने बताया था अमोनिफाइंग में एंड में क्या बन रहा था, अमोनियम कार्बोनेट, वही ये नाइट्रोसोमोनास जो है वो अमोनियम कार्बोनेट को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, नाइट्रस एसिड। जैसे अमोनियम एसिड बन रहा था, अमोनिया एसिड बन रहा था, ऐसे यहाँ पे नाइट्रस एसिड किसने बनाया, अमोनियम कार्बोनेट के साथ में नाइट्रोसोम्स ने ऑक्सीडाइज किया, मतलब नाइट्रोसोमोनास ने अमोनियम कार्बोनेट को ऑक्सीडाइज किया और ये फिर नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट किया और एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी जो है वो लिबरेट की। उसके बाद ये जो नाइट्रस एसिड है इसने जो सॉइल के अंदर जो बेस प्रेजेंट होते हैं उनके साथ कंबाइन किया और क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के बाद में जो नाइट्रोबैक्टर है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ और उसने क्या बनाया यहाँ पे, नाइट्राइट। क्या बनाया, नाइट्राइट, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोसोमोनास ने ऑक्सीडाइज किया अमोनियम कार्बोनेट को और क्या बनाया, नाइट्रस एसिड। फिर इसने कंबाइन किया सॉइल के अंदर जो बेस प्रेजेंट होते हैं उनके साथ में और क्या बनाया, पोटेशियम नाइट्रेट। जो पोटेशियम नाइट्राइट, सॉरी पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट ने क्या के साथ में क्या हुआ, ये जो नाइट्रोबैक्टर है, ये जो नाइट्रोबैक्टर है इसने इसे ऑक्सीडाइज किया और इसको क्या बना दिया, नाइट्राइट। नाइट्राइट फिर आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रेट, और क्या रिलीज़ कर दी, एनर्जी रिलीज़ कर दी। तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा किस तरीके से एक स्टेप्स में, अगर हम देखें तो इसे कई स्टेप्स में इसने कन्वर्ट किया है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के अंदर, एंड प्रोडक्ट जो मिलता है वो हमें नाइट्रेट मिलता है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के अंदर जो एंड प्रोडक्ट था वो था अमोनियम कार्बोनेट, तो और वो कैसे कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप आप उसे जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा और वो याद करने में भी आपको इजी रहेगा। बट ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया क्या है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन क्या है। तो अगर अमोनिफिकेशन की बात की जाए तो अमोनिफिकेशन क्या होता है, जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अमीनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। जब मैंने अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बताया था तो उसमें मैंने बताया था किस तरह से सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया प्रोटीन्स को और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के जो ओरिजन हैं उनको कैसे ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर रहा था, अमोनियो अमीनो एसिड में। और तो ये जो अमीनो एसिड है यही बाद में कन्वर्ट होके क्या बना देती है, अमोनिया, यानी कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया क्या कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया एसिड को, अमीनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनिया में। ऐसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। और ये अमीनो एसिड अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। नेक्स्ट आती है हमारे नाइट्रिफिकेशन, जो हमारे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं जो हमारे सॉल्स के अंदर अनअवेलेबल अमोनियम होते हैं उनको अवेलेबल अमोनिया, अवेलेबल नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, यानी जो हमारे उसके अंदर
सॉइल के अंदर जो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो अनअवेलेबल अमोनियम जो सॉल्ट्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनको कन्वर्ट करके अवेलेबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये अवेलेबल नाइट्रेट्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि अमोनिफिकेशन में तो अमोनिया मिलता है और नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट्स मिलता है। तो ये दो प्रोसेस हुई, अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद बात आती है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे कि एजेटोबैक्टर, हेजरिंकिया एरोबिक फॉर्म में, दूसरा क्लोस्ट्राइडियम एनारोबिक फॉर्म में जो कि सॉइल के अंदर फ्री तरीके से लिव करते हैं, यानी कि लिव फ्री इन द सॉइल। ये जो दोनों एरोबिक फॉर्म में और एनारोबिक फॉर्म में जो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये सॉइल के अंदर फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन गैस जो प्रेजेंट होती है उसको टेक करते हैं, मतलब ले लेते हैं, और उसके बाद जो नाइट्रोजन होता है वो कंबाइन होता है जो अदर एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे एलिमेंट्स के साथ में नाइट्रोजन जो है वो क्या कर लेती है, कंबाइन कर लेती है। किन के साथ में, नाइट्रोजनस कंपाउंड के साथ में कंबाइन हो जाती है जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक प्रेजेंट उसके द्वारा ये एसिमिलेटेड किए जाते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो एसिमिलेट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, और वो बैक्टीरिया जो है आगे फर्दर जब प्रोसेस चलती है तो वो क्या हो जाता है, डाई, यानी कि मर जाता है। और यही मरे हुए बैक्टीरिया को क्या करता है, दूसरा एक बैक्टीरिया आता है, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग बोलते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है, इसे डिकम्पोज करता है जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड की हेल्प से क्या करता है, डिकम्पोज करता है, और उसके बाद वो क्या कर देता है, अमोनिया जो है रिलीज़ कर देता है। किससे, जब कौन से टाइम पे, जब डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो वो कौन सी गैस रिलीज़ करता है, अमोनिया जो है वो रिलीज़ कर देता है। एक बार दोबारा देखो, जो ये एजेटोबैक्टर है और ये हमारा क्लोस्ट्राइडियम जो है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन के, ये फ्री लिविंग फॉर्म में मिलते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो ये क्या करता है, ये गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, ले लेता है सॉइल पार्टिकल्स में से, उसके बाद ये नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑर्गेनिक फॉर्म में जो मिलते हैं उनके साथ कंबाइन करता है, और उसको फिर इस बैक्टीरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड को बैक्टीरिया की हेल्प से एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट होते टाइम पे ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है, और इसी मरे हुए बैक्टीरिया को डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज कर देता है, और डिकम्पोज करते टाइम पे वो एक गैस रिलीज़ करता है, मतलब कि अमोनिया को रिलीज़ कर देता है। यही अमोनिया आगे चल के नाइट्रोजन के साथ में जब रिएक्शन करता है तो पहले तो नाइट्राइट बनाता है, पहले तो क्या बनाएगा, पहले बनाएगा नाइट्राइट और फिर बना लेगा नाइट्रेट, और यही नाइट्रेट प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन के फॉर्म में मददगार होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नाइट्रिफाइंग फिक्सिंग बैक्टीरिया की रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी उसमें आएगा कि किस तरीके से, ये तो पहले हुआ कि किस नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी ये एक पहला आपको एक मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है उस सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करती है। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन में फर्स्ट हमने देख लिया था कैसे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया किस तरीके से
वो एक प्रोसेस बना रहे थे। सेकंड है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जो है वो किस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अगर हम ये देखें तो इस राइजोबियम के अंदर क्या होती है, एक एबिलिटी होती है ये जो नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में क्या कर देती है, चेंज कर देती है, यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देती है। किसको, फ्री नाइट्रोजन को जो कि एयर और सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या करता है, क्या होता है कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं मेनली, अगर इससे पहले अगर मैं देखूँ, मैं इसको समझाने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर एक्ट करता है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, उनकी रूट्स के ऊपर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके लीव्स के ऊपर भी क्या होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर एबिलिटी होती है जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करने की। उसी के बाद जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होती है तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के सेल्स के अंदर क्या करता है, जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या होती है, जाती है और ये जो आसपास की उसके सॉइल की जो सराउंडिंग होती है उसमें फैल जाती है। उससे क्या होता है, जो आसपास जो प्लांट होते हैं ये बैक्टीरिया उनको क्या करता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उसमें वो क्या करता है कि पास वाले प्लांट्स को वो नाइट्रोजनस कंपाउंड देता है, वो होस्ट प्लांट्स कहलाएंगे, उन होस्ट प्लांट्स को ये क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड देता है और बदले में कार्बोहाइड्रेट्स ले लेता है जो कि होस्ट प्लांट के द्वारा बनाई जाती हैं, और उसको बनाने के बाद में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो बैक्टीरिया हैं, फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये एक तरीके से ग्रीन मैन्योर भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में, और ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जो हमारा रोल इन एग्रीकल्चर था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। तो इस तरीके से आज हम कह सकते हैं कि हमने किस तरीके से एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का रोल प्ले किया ये हमने आज पढ़ा। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसी के साथ थैंक यू।